ग्वालियर में 57 साल बाद नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है। बड़े बदलाव के साथ साथ शहर के विकास को लेकर नागरिकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि शहर का विकास किस रफ्तार से होगा। नगर निगम परिषद में कांग्रेस का महापौर तो है, सभापति का बीजेपी से है, ऐसे में विकास की रफ्तार पकड़ेगा या नहीं, देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड हैं, 34 वार्डों में बीजेपी ने अपना झंडा फहराया, लेकिन महापौर पद पर कांग्रेस की शोभा सिकरवार जीत हासिल करती नजर आई। निगम सभापति के चुनाव में मनोज तोमर निर्वाचित हुए। नगर निगम परिषद का संचालन महापौर, पार्षद और सभापति मिलकर करते हैं। इन सब के बीच तालमेल होना जरूरी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। महापौर शोभा सिकरवार ने शहर के विकास कार्य के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की है। आज हमारी परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई है और वार्ड समितियों का गठन भी हुआ है। ग्वालियर के विकास को लेकर सभापति मनोज तोमर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी। शहर के विकास के लिए भाजपा पहले भी संकल्पित थी और आज भी है। सरकार के मंत्री भी भरोसा दिला रहे हैं कि शहर के विकास के लिए बीजेपी को कांग्रेस से ऊपर उठकर सोचना होगा। भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा रोज नई सौगातें देकर साबित कर रही है कि उनकी नियत में कोई खोट नहीं है। महापौर को दलगत भावना से ऊपर उठ के काम करना चाहिए और जो परिषद है, जो मेजोरिटी है, सबकी भावनाओं को समावेश करते हुए ग्वालियर के विकास की चिंता करना चाहिए, न कि दलदल में उलझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनता है, उसको अवसर मिलता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी को साथ लेके चले। और मुझे विश्वास है परिषद के ऊपर कि वो सब लोग मिलके ग्वालियर के विकास की चिंता करेंगे। नगर निगम की नई सरकार के गठन, परिषद के पहले भी सम्मेलन के बाद वार्ड पार्षद का कहना है कि उनके वार्ड की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क और आवारा जानवरों की समस्याएं हैं। विकास कार्यों के लिए अफसर रुचि नहीं दिखा रहे, तो वहीं सभापति और महापौर के बीच दलगत राजनीति की खाई है। ऐसे में शहर और वार्ड के विकास को लेकर क्या तस्वीर बनेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा। INH 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।